बिहार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जेडीयू के स्टार प्रचारकों में सीएम नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, संजय झा, श्याम रजक समेत 40 नेता शामिल हैं। वहीं एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान ने भी उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन किया है, साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्हें जिताने की अपील भी की। जहाबाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी के प्रत्याशी सुदय यादव ने नामांकन दाखिल किया। सुदय यादव के साथ बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक बैंड बाजे के साथ नामांकन करने पहुंचे। जी बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। भभुआ से शंभू सिंह पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, नामांकन आज दाखिल करेंगे। कांग्रेस के बागी नेता अशोक चौधरी का कहना है कि जिन लोगों ने शंभू पटेल को टिकट दिलाया है उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उन लोगों को अब शंभू को जीत दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए जीत का दावा किया और आरजेडी कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जेडीयू के बागी नेता उदय नारायण चौधरी का कहना है कि एनडीए उपचुनाव में तीनों सीटों पर हारेगी। चौधरी ने कहा कि जेडीयू चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जहानाबाद सीट उस पर थोपी गई है। जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव में माले प्रत्याशी कुंती देवी को नामांकन के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुराने मामले में कुंती देवी के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज था, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। निगम के सभी पुराने स्क्रैप की नीलामी होगी। भारत सरकार के एमसीटीसी कंपनी से ईएमयू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सड़क खोदने के लिए लेनी होगी अनुमति, नहीं तो कार्रवाई की जाए। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने पटना सिटी के खुसरूपुर का दौरा किया और संतोष उर्फ छोटू पासवान के परिजनों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की, साथ ही छोटू के हथियारों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। मैट्रिक की परीक्षा में बोर्ड का जूता मोजा वाले फरमान पर सियासत, तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी और जीतम राम मांझी ने इसका विरोध किया है। शिक्षा मंत्री ने इस फरमान को नकल रोकने के लिए सही बताया तो पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस फरमान की निंदा की है और सरकार पर निशाना साधा तो जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार भी किया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा फालतू के काम करने के बजाय शिक्षा में सुधार करें। पूर्व मुख्यमंत्री जीतम राम मांझी ने फरमान को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षार्थियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीएसईबी में कई ऐसे तंत्र हैं जो प्रश्न पत्र को लीक करते हैं। बीएसईबी को उन्हें पकड़ना चाहिए, न कि छात्र छात्राओं पर मानसिक दबाव बनाना चाहिए। जेडीयू आरजेडी के बीच लेटर जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नीरज ने अपने खुले खत के जरिए तेजस्वी से कई सवाल पूछे हैं। नीरज कुमार के इस खत पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने कहा है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए खुला पत्र लिखा जा रहा है, अगर हिम्मत है तो नीरज दलितों पर हो रहे अत्याचार पर खुला पत्र लिखे। लालू के ट्विटर हैंडल से बीजेपी पर किया गया कटाक्ष, जिसमें लिखा गया कि बीजेपी का कौन सा नेता खेत जोत कर खा रहा है, सब तो लूट कर खा रहे हैं। इस पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि लालू जी 10x10 कमरे के चपरासी क्वार्टर्स में रहते थे तो खेत जोतकर अमीर हो गए हैं। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी लालू को नसीहत देते हुए कहा कि सबको एक तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। मसौढ़ी में हुए बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। एनएमसीएच में घायलों का इलाज कराया जा रहा है। 10 गंभीर घायलों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। पटना में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में उम्र सीमा घटाए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान ट्रैक को खाली कराने पहुंची रेल पुलिस पर छात्रों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठी भांजी है और एनएसयूआई के प्रेसिडेंट चुन्नू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में गलत प्रश्नों के बदले सही उत्तर की मांग को लेकर टीटी में फेल अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया।
संशोधित रिजल्ट्स जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। पटना में IGIMS में नर्सेज ने भी हंगामा किया है। अनुबंध पर बहाल नर्स वेतन नहीं मिलने से परेशान है। हड़ताल कर रही नर्सेज ने प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजबिहारी प्रसाद सिंह के खिलाफ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। आईसा और AISF के छात्रों ने VC कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने हंगामा भी किया। बिहार के बक्सर में AISF के छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बाईपास के 70 फीट में जिला प्रशासन की ओर से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पर फुटपाथी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। समस्तीपुर में बेटे ने पिता को पीट पीट कर मार डाला। मामला वारिस नगर थाने के चंदौली गांव का है, जहां पारिवारिक विवाद को लेकर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बचाव के लिए गई मां की भी जमकर पिटाई की गई है। फिलहाल आरोपी अमरेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवादा जिले के कौवाकोल थाने में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव किया गया। अवैध शराब कारोबारियों ने हमला किया। एक चौकीदार के साथ 2 SPO घायल। पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। पथराव करने वाले अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी से मामूली विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घटना महावीर टोला इलाके की है। हथुआ के लालबारी गांव से राधा कृष्ण मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। मूर्ति के अलावा बांसुरी, मुकुट और अन्य कीमती सामान भी चोर ले गए। ग्रामीणों द्वारा पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सिवान के नई बस्ती मालवीय नगर में चोरी की घटना सामने आई है। घर के मालिक की गैरहाजिरी में सारे कीमती सामान चोर ले गए। रोशनदान कर रास्ते घर में घुसे थे चोर। नालंदा के नकटपुरा गांव में बारातियों की पिटाई, लड़की पक्ष के लोगों ने की पिटाई। शादी में खाने को लेकर हुई थी कहा सुनी, पिटाई से 2 दर्जन बाराती घायल। नवादा में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की पिटाई। महज 10,000 रुपए की मांग को लेकर ससुराल वालों ने किया प्रताड़ित। इलाज के दौरान हुई मौत। नगर थाना क्षेत्र के कुरमा गांव की घटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर बघा पुलिस ने 150 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया। बघा SP अरविंद गुप्ता ने DSP मुख्यालय सूर्यकांत चौबे की मौजूदगी में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया है। मौके पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम मौजूद रही। अररिया के जोकीहाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोभी लदे पिकअप वैन से 85 कार्टन में बंद 2400 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। बेतिया SP शिव कुमार राव के नेतृत्व में 3 थाने में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने हिरण की छाल के साथ साथ UP ब्रांड की 184 बोतल शराब जब्त की है। मुजफ्फरपुर में इंसानियत का गला घोटने वाली वारदात सामने आई है, जहां शौच करने जा रही नाबालिग को गांव के ही दबंग संजय राय ने अपने 2 भतीजों के साथ मिलकर अगवा कर लिया और दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया है। घटना कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भिड़ियाही पंचायत की है। छपरा के हथुआ मार्केट के स्टाइल जोन नाम की दुकान में कुछ लोगों ने अचानक धावा बोल दिया और सेल्समैन से मारपीट करने लगे। इन लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके के रमना मोहल्ले में अपराधियों ने दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद बाइक सवार 6 डकैत व्यवसायी के घर पहुंचे और डकैती की घटना को अंजाम दिया। पाटलिपुत्र खेल परिसर में 32वीं अखिल भारतीय बोस्टल बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। 23 फरवरी तक चलेगा ये टूर्नामेंट, जिसमें 150 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कटिहार में शुरू हुआ फागुन महोत्सव, श्रद्धालुओं ने जोत जलाकर श्याम बाबा की पूजा अर्चना की और गानों पर थिरक थिरक कर एक दूसरे को अभी गुलाल भी लगाए। वैशाली जिला व्यवहार न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की कमी से मुकदमे के निपटारे में देरी। 3 न्यायाधीश कार्यरत, 5 की पोस्ट पर नहीं की जा रही है नियुक्ति। जेल में बंद कैदियों को हो रही है परेशानी। यूनियन बजट 2018-19 के अहम पहलुओं और नए प्रावधान पर चर्चा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ऑफ इंडिया की ओर से बैठक का आयोजन, देश भर के विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा, सभी ने बजट को सकारात्मक और सही दिशा में बताया। मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड के देवघरा में महाशिवरात्रि मेले का समापन हो गया है। मेले के आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी गई। चतरा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सीएम रघुवर दास का ऐलान, 3 दिनों तक चलने वाले राजकीय ईटखोल महोत्सव का शुभारंभ। लोहरदगा जिला समाहरणालय के आकांक्षा भवन में समाज कल्याण मंत्री लुईस फर्नांडी ने की बैठक। पिछली बैठक में लिए गए फैसले पर की गई समीक्षा और साथ ही शिकायत मिले पदाधिकारियों पर भी लगाई गई फटकार। पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन मिलन समारोह का आयोजन। मत सम्मेलन में लोहरदगा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बलराम कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज पार्टी का दामन थामा। गिरिडीह जिले में जल्द ही आर्थिक अपराध पर अंकुश लगेगा। गिरिडीह उपायुक्त तो मनोज कुमार ने इसे लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। कोयला, बालू, पत्थर और अबरक के अवैध उत्खनन को रोकने का आदेश दिया है। चारा घोटाले में आज फिर लालू यादव की पेशी। RC-47 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लगाएंगे हाजिरी। डोरंडा मामले में CBI की ओर से हो रही है गवाहों की गवाही। नगर निगम की नीतियों के खिलाफ आज महानगर का राजभवन के बाहर एक दिवसीय धरना। होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स हटाने की मांग, बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर धरना। गुमला में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। एंटी लैंड माइंस को किया डिफ्यूज, पुलिसकर्मियों का दल था निशाने पर। कोडरमा पुलिस ने किया कांग्रेस नेता शंकर यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा। मुख्य आरोपी मुनीश यादव समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। खदान विवाद में दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस कार्रवाई से परिजन नाखुश। जमशेदपुर में खाकी की बेशर्म करतूत। MGM अस्पताल में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के पिता से मांगे पैसे, धमकी के बाद रुपए लेते कैमरे में कैद आए। जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए जा रहे सर्किल भवन और सड़क निर्माण पर रोक। वन विभाग ने बिना NOC लिए निर्माण कार्य का लगाया आरोप। जल संसाधन विभाग और वन विभाग के पेंच में 5,30,00,000 लागत की योजना अधर्मिल। हजारीबाग में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के आगमन पर केंद्र सरकार के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का दिखा अलग वेशभूषा। पीले वस्त्र में जयंत सिन्हा शंकराचार्य के साथ दिखाई दिए। राजधानी रांची के सोनाहातू प्रखंड में पिछले दिनों सामने आए डायन बिसाही के मामले में न्याय की उम्मीद जागी है। पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद दिलाने और इलाके के लोगों को जागरूक करने के लिए 5 अधिवक्ताओं की टीम को सोनाहातू रवाना किया गया। धनबाद के भूली में पुलिस ने एक फर्जी सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से नकली सीमेंट, एक ट्रैक्टर के साथ संचालक टीकू अंसारी को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। अभियान के 21वें दिन खूंटी और मुरहू के जंगली इलाकों में करीब 70 एकड़ में अवैध तरीके से लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया गया। लातेहार में भी अफीम माफिया पर कार्रवाई जारी है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस और CRPF 11 बटालियन के जवानों ने 4 एकड़ में लगी अफीम को नष्ट किया। जमशेदपुर से गिरफ्तार हुआ विशाखापट्टनम के व्यापारी की हत्या का गुनहगार। मर्डर का वीडियो आया सामने। 17 जुलाई 2017 को दिया था वारदात को अंजाम। गोड्डा जिले में बलबड्डा थाने क्षेत्र के कुमेरडीहा में ससुराल आए दामाद की संदिग्ध हालत में मौत। मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। BSL की परेशानियां जल्द होंगी दूर। कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। जल्द मिलेगी ग्राहकों को 4G की सुविधा। गढ़वा में रंग ला रही है रघुवर सरकार की पहल। डोभा योजना से बदली गांव की तस्वीर। डोभा निर्माण से गांव में पानी की किल्लत दूर। ग्रामीणों के चेहरे पर लौटी रौनक। PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की चिट्ठी, हमारी देनदारी का गलत आंकड़ा बताने से मीडिया में शोर हुआ। PNB को चिट्ठी में नीरव मोदी ने लिखा, तलाशी और जब्ती ने हमारी क्षमता को खतरे में डाला है। नीरव मोदी ने अपने बचाव में कहा, फाइव स्टार इंटरनेशनल और फाइव स्टार डायमंड इंटरनेशनल को अपना कारोबार रोकना पड़ा।
नीरव मोदी की तलाशी के लिए सीबीआई की कोशिश तेज, एफबीआई और यूरोपियन एजेंसी की मदद ली जा रह सकती है। बैंकिंग महाघोटाले में सीबीआई का एक्शन और तेज, सीबीआई ने ब्रांडी ब्रांच के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। महाघोटाले में अब तक पीएनबी के 6 अधिकारी गिरफ्तार, सीबीआई ने ब्रांडी ब्रांच से 10 कंप्यूटर और 46 फाइलें जब्त की। सीबीआई ने नवी मुंबई, अधेरी और डोंबिवली में छापेमारी की, लोअर परेल के एक बिजनेस पार्क में भी छापा मारा। गिरफ्तार कर्मचारियों में से एक मनोज खराड़ के पिता की सफाई, कहा मेरा बेटा बेकसूर है। पीएनबी घोटाले के बाद सीवीसी की एडवाइजरी, 3 साल में बैंक अधिकारियों का ट्रांसफर जरूरी, कोई भी ऑफिसर 5 साल से ज्यादा एक ब्रांच में नहीं रहेगा। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर विजय दुबे के घर ईडी की टीम पहुंची, बैंक घोटाले को लेकर जांच जारी। पीएनबी घोटाले को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, ट्विटर पर लिखा ललित मोदी और माल्या के बाद नीरव भी फरार, कहां है देश का चौकीदार। सीबीआई ने विक्रम कोठारी और उनके परिवार से 22 घंटे तक पूछताछ की, किसी की गिरफ्तारी नहीं लेकिन किसी को क्लीन चिट भी नहीं। कोठारी और उनके परिवार को सीबीआई का निर्देश, बिना पूछे विदेश न जाए। विक्रम कोठारी आज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो सकते हैं, सेटलमेंट प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। मैसूर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, पिछली सरकारों ने जनता की आंखों में धूल झोंकी। पीएम मोदी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा, कहा जब तक कांग्रेस रहेगी कर्नाटक को बर्बाद करेगी। मैसूर में पीएम मोदी ने जनता से पूछा कर्नाटक में मिशन वाली सरकार चाहिए या कमीशन वाली। पीएम मोदी ने पैलेस्टीन हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, मैसूर से उदयपुर तक चलेगी ट्रेन। रेलवे को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, मुसाफिरों के लिए साफ पानी का इंतजाम करने को कहा, रेलवे को दिल्ली हाईकोर्ट की ये फटकार सामने आई। मैसूर से बेंगलुरु जाने वाली कावेरी एक्सप्रेस में दिखे रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्लीपर और रनिंग क्लास के लोगों से बातचीत। फ्लोरिडा शूटिंग के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, बचाव पक्ष की दलील को सार्वजनिक करने पर फिलहाल रोक। अमेरिका में फ्लोरिडा शूटिंग पर विरोध प्रदर्शन जारी, वॉशिंगटन से लेकर साउथ फ्लोरिडा में विरोध प्रदर्शन। मेक्सिको में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता नापी गई, किसी नुकसान की खबर नहीं। अमेरिका ने फिलीपींस भेजा जंगी जहाज, 4 दिन तक मनीला के पोर्ट पर रहेगा। नेपाल में लोकतंत्र के 68 साल पूरे होने पर जश्न, 1951 में राणा शासन के खत्म होने पर हुई थी लोकतंत्र की शुरुआत। टर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया को धमकी दी, कहा कुर्दिश लड़ाकों को बचाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका पर जीत का जश्न मनाया, धोनी, विराट, शिखर और रैना नजर आए। कप्तान कोहली ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तारीफ की, भुवनेश्वर कुमार को जीत का क्रेडिट भी दिया। टीवी के सबसे महंगे स्टार बने सलमान खान, रियलिटी शो 10 का दम के एक एपिसोड के लिए 3 करोड़ रुपए लिए। एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंची, हैदराबाद में दर्ज एफआईआर का उन्होंने विरोध किया। चलिए तो 100 शहर 100 खबर में इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे आयोजन की जिससे बिहार का मान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है।